नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। कल हमने अध्ययन किया था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। एक बड़ा, कुछ छोटे छोटे विद्रोह होते हैं, फिर एक बड़ा विद्रोह होता है 1857 का। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों को सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि भारत में कुछ न कुछ अब बदलाव की आवश्यकता है। अगर बदलाव वो नहीं करते तो ये तो तय था कि भारत उनके हाथ से चला जाता। तो वो उनको एक सीख दे के गया कि अब भारत में हमको अपना शासन का कार्य प्रणाली बदलनी पड़ेगी। उसी क्रम में अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, सन 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन, चैप्टर नंबर 6। अट्ठारह सौ अट्ठावन के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां नीतियां और प्रशासन, अब क्या बदलाव उन्होंने किए भारत में? सबसे पहला बदलाव तो यही किया उन्होंने, पूरा का पूरा कंपनी का जो यहां पे था, कंपनी की सत्ता जो थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में लिया। कंपनी माने जीरो। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ले लिया गया तो ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री राज्य सचिव हुआ करता था, जो कि भारत के संदर्भित मामलों में वही सर्वे सर्वा होता था। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उसने क्या किया, गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उनको चेंज कर दिया गया और उनका नाम कर दिया गया वायसराय। वायसराय मतलब में कि राजा के प्रतिनिधि। ठीक, यहां तक ये हो गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दिल्ली दरबार, और इलाहाबाद में एक दरबार लगा, महारानी विक्टोरिया का दरबार लगा। वहां पर महारानी विक्टोरिया के जितने भी उन्होंने चेंजेस किए सब कुछ पढ़कर सुनाया गया कि भाई ये हम काम कर रहे हैं, ये हम सुधार कर रहे हैं। पॉइंटेड फॉर्म में अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। इस 1858 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में हमने तो बता दिया कि गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। अब पॉइंटेड फॉर्म में आते हैं कि जो भी भारतीय राज्य हैं उनमें, उनके मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने कहा। नंबर एक बात, नए क्षेत्र विजित नहीं किए जाएंगे। नंबर दो बात। नंबर तीन, धार्मिक सहिष्णुता को मेंटेन रखा जाएगा। तीन हो गया। नंबर चार, जो समान अवसर है जो अंग्रेजों को मिलते हैं वो भी भारतीयों को भी मिलेंगे। चार बात। फिफ्थ नंबर ये होगा, जितनी परंपराएं हैं पुरानी, जो जैसे चल रहा है हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, चलने दो भाई। यानी परम सती प्रथा को अगर पहले न समाप्त किए होते 1829 में, तो शायद इस घोषणा के बाद में 1858 के बाद में वो समाप्त भी नहीं करते। अब उनका जो असली उद्देश्य हो गया, भारत जैसे चलने दो, हमको उससे मतलब नहीं, हमारे हित ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हों। भारत सरकार के मामले में एक भारत सचिव की भी नियुक्ति की गई। ये पूरा उन्होंने एक व्यापक बदलाव भारत में किया। यहां पे ये प्रशासनिक परिवर्तन हो गया उनका। इसी दौरान देखते हैं कि 1870 में ब्रिटेन में टेलीग्राफ सेवा शुरू हो गई, और उसी के इर्द गिर्द स्वेज नहर का जो उत्साह राष्ट्रीयकरण हो गया, 69-70 के आसपास राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी अब सूचनाएं तेजी से प्रसारित हो सकती थी, वहां पे पहुंचाई जा सकती थी। ये सब चेंजेज हुए।
और अंदरूनी हिस्सों में और भारत के अंदरूनी हिस्सों में और क्या चेंजेस हुआ भाई? नंबर एक उसमें आता है स्थानीय स्वशासन की बात आती है। लॉर्ड रिपन के काल में हुआ, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की बात की, स्थानीय स्वशासन का उसको जन्मदाता कहा गया भारत में। ये भी क्वेश्चन आया इसमें पूछा जा चुका है, यानी जिला बोर्डों, जिला परिषद वार्डों की स्थापना हुई, यानी ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र की तरफ उन्मुख होने लगे लोग। और आगे चेंजेस क्या हुए? आगे चेंज हुआ रिपन के शासन काल में ही एक बिल है, इल्बर्ट बिल पेश किया गया, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय जो जज होंगे वो अंग्रेजों यूरोपियों का भी मुकदमा सुन सकते हैं। यानी यहां पर भी भारतीयों को बराबरी देने की कोशिश की गई। इल्बर्ट बिल के बाद में रिपन इल्बर्ट बिल के बाद में भारत में बजट की व्यवस्था भी शुरू की गई 1860 में, यानी केंद्र और राज्य के बजट भी पेश किए गए, अलग अलग बजट पेश किए गए, यानी वित्त पर्याप्त सुचारू रूप से काम होता रहे भाई, वित्त की कमी ना आने पाए। सैन्य मामलों में भारतीयों की जो संख्या थी पहले 2:1 किया गया, यानी 2 भारतीय रहेंगे 1 यूरोपी रहेगा, सॉरी बाद में इसको 5:2 कर दिया गया, और तोप खाने और शस्त्रागार पर यूरोपियों का ही नियंत्रण रहेगा। यानी कभी इन फ्यूचर अगर ऐसा ना हो जाए, 1857 वाली घटना रिपीट कर जाए, तो तोप खाने पर अगर भारतीय रहेगा तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अंग्रेजों के लिए दिक्कत की बात होगी। इसलिए उन्होंने सोच समझ कर तोप खाने और शस्त्रागार पर अपना ही नियंत्रण स्थापित रखा। और एक चेंज जाता है 1853 में सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई। शुरुआत में हमने कल भी बताया था लेक्चर में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में अनुमति दे दी गई। शुरुआत में इसकी उम्र थी 21 वर्ष, फिर बाद में घटा के 19 वर्ष कर दिया गया था। यहां तक पूरा इन्होंने चेंजेस किए। 1892 में प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, एक ये भी चेंज हुआ। अब सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, जो कि पहले नहीं होता था। पहले सदस्य तो थे भाई, प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन 1892 में उनको ये अधिकार दे दिया गया, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यहां तक तो पूरा इन्होंने नीतियां प्रशासन अपना चेंजेस जो भी चेंज किया, छोटे छोटे उसमें जिस क्रम में है एनसीईआरटी में उस क्रम में हमने बता दिया। इसके इंडिया के आउटसाइड में भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए। अफगानिस्तान को विजय करने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन अंततोगत्वा अफगानिस्तान में ये कामयाब नहीं हो सके। आज भी अफगानिस्तान में कोई कामयाब नहीं हो पा रहा है, लोग जो भी सेनाएं वहां जाती हार जाती हैं। उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है अफगानिस्तान की वो ऐसी है, उनके अनुकूल तो है लेकिन बाकियों के प्रतिकूल है। रसिया भी वहां पे हार गया था अफगानिस्तान में, आपने देखा भी होगा कि लादेन को खोजने के लिए 12-14 साल लग गए उनको, लेकिन लादेन वहां नहीं मिला पाकिस्तान में, और अमेरिका की सेना वहां पर मौजूद रही। आज भी परेशानी कहां बना हुआ है? क्यों? मध्य एशिया और ईस्ट एशिया के बीच सेंटर का काम करता है। इस अफगानिस्तान से नॉर्दर्न एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया सब जगह नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। बहुत ही स्ट्रेटजिकल पॉइंट है अफगानिस्तान। दूसरा, लेकिन अब अफगानिस्तान के प्रति उनकी जो नीति थी अंग्रेजों को, वो दूर से ही उनकी नीति थी कि यहां दूर से देखते रहो, कोई और थर्ड पार्टी पहुंचने ना पाए, थर्ड पार्टी कोई पहुंचता तो हम भी पहुंच जाएंगे। यहां पर है बर्मा को इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था अंग्रेजों ने, जहां जहां उनको लाभ मिल सकता था सब कुछ नियंत्रण में लिया। अब ये पूरा का पूरा 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों का जो परिवर्तन था अंदर और बाहर दोनों की तरफ इन्होंने किया। इसके बाद में और अब भारत में वो कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कल नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे। आज कैसे बता दें, कल वाले चैप्टर में जो भी है कल का चैप्टर
एकदम डेवलपमेंटल फॉर्म में। अंग्रेज अपना उधर जिस प्रकार से डेवलपमेंट किए हैं इतिहास में भी उसी प्रकार से लिखा हुआ है और उसी प्रकार से हम आपको बता भी रहे हैं और उसी प्रकार से हम चाहते हैं आपके दिमाग में समझ में भी आ जाए ताकि आपको परेशानी ना आने पाए। एकदम डेवलपमेंट फॉर्म में फैक्ट तो आप और जगह से कलेक्ट कर भी सकते हैं, कोई फैक्ट इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन एक बार ब्रेन में बढ़िया से पिक्चर क्लियर हो गया तो फैक्ट उसमें डालते चले जाएंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं अवेलेबल हैं एनसीईआरटी में, कोशिश करते हैं सारे फैक्ट यहाँ पे पड़ जाए आपके। आज का लेक्चर बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।